उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का बीती रात अस्पताल में उपचार के दौरान हुआ निधन। 68 वर्षीय विधायक शैला रानी रावत ने देहरादून के मैक्स अस्पताल में ली अंतिम सांस। कुछ माह पूर्व ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में हुआ था फ्रैक्चर, जिसके बाद परिजनों द्वारा उन्हें ले जाया गया है सेंटर, जहां पर उनकी सर्जरी की गई पर सर्जरी नहीं हो पाई सफल, जिसके बाद से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब रहने लगा था। यहां बताते चले कि पूर्व में भी 2022 में उनका चुनाव प्रचार के दौरान उनको चोट लग गई थी, जिस कारण लंबा इलाज चला, परंतु उसके बाद वे बिल्कुल स्वस्थ थी और राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो गई थी। पर दोबारा गिरने के उपरांत इनकी सर्जरी कामयाब नहीं हो पाई और दो दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। वहीं बीते दिन मैक्स अस्पताल में उन्होंने ली अंतिम सांस। विधायक के भाई व उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने की इस बात की पुष्टि। फिलहाल उनका अंतिम संस्कार बुधवार को उनके पैतृक स्थान पर किया जाएगा। बता दें, भाजपा ने 2017 विधानसभा चुनाव में उन्हें केदारनाथ सीट से दिया था टिकट, लेकिन तब उन्हें करना पड़ा था हार का सामना। वहीं 2022 में पार्टी ने उन्हें फिर बनाया प्रत्याशी, तब शैला रानी ने की थी जीत दर्ज। अब उनके निधन के बाद ये सीट फिर खाली हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागिला न्यूज।